हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या बुलिश स्टैंड जो है हमारा मार्केट के प्रति, क्या वो समाप्त होने की ओर है। और स्पेशली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ जो है इशारा करूं। ब्रॉडर मार्केट अभी भी काफ़ी अच्छा कर रही है। निफ्टी ने आज वीकनेस दी और वीकनेस वहीं से आ रही है जहां मैं रोज़ चर्चा कर रहा हूँ आपको। और जैसा मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी 33,300 के आसपास जाएगा, 270 की बात की थी मैंने, 33,270 वहाँ पर कल गया, उसके बाद करेक्शन आई। और कल के एनालिसिस से मैंने बोला था कि देखिएगा अब वो ऊपर के लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और 32,800 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आज जो है बाजार उसके आसपास गए भी तो वहाँ पर ठहरे नहीं, तो बाजार ने नीचे का रुख जो है कर लिया है। तो अब जो है बाजार के लिए एक नई रेंज जो है वो बनकर आएगी, वो होगी जो है मेरे हिसाब से 31,800 से 32,800। तो अभी एक नैरो रेंज के अंदर बाजार काम कर रहे हैं, वोलेटिलिटी थोड़ी सी घट गई है। और क्या ये कुछ बड़ा होने से पहले का सन्नाटा है, तो देखिएगा। इसके लिए सबसे खास बात ये है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी जो है हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पर कि हमें थोड़ी सी तेज़ी की पोजीशंस करने में डर लग रहा है। और उसमें डॉलर इंडेक्स की बात हम बात करें तो देखिएगा, डॉलर इंडेक्स तो अभी 92 और 93 के बीच में झूल रहा है, लेकिन डॉलर जो है इंडियन रुपी के अगेंस्ट जो है काफ़ी मजबूत हो गया है और 75 के आसपास पहुंच गया है। 74.70, 74.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहां से अब देखिएगा 75 के आंकड़े जो है बहुत ही नज़दीक हो गए। तो 75 का जो आंकड़ा है वो इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में से आउटफ्लो शायद FIIs का हो रहा है और वो पैसे को जो है इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है हमें एक थोड़ा सा लिक्विडिटी वाला जो कंसर्न है वो भी लग रहा है। और जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग हुई है पिछले कुछ दिनों में, वहाँ से ऐसा अंदेशा आ रहा है कि अगर वो बाकी स्टॉक्स में भी अगर जारी हो गई तो निफ्टी के ऊपर एक प्रेशर बन सकता है। निफ्टी 14,834 से बंद हुआ, लो लगाया 785 का 75, ऊपर लगाया 918। देखिएगा निफ्टी काफ़ी मजबूत है क्योंकि जो 50 शेयर्स हैं उसमें से कुछ ना कुछ जो है चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कल के हैंगिंग मैन पैटर्न के ऊपर कोई कन्विंसिंग जो है इंडिकेशंस नहीं आए और एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल जो है तैयार हुई है। तो यहाँ से भी जो है आप ये मान के चलिएगा कि कोई पॉजिटिव संकेत जो है नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जो टेक्निकली जो है 14,650 के जो टारगेट्स हैं वो बड़े एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। और आज जहाँ से फिर गिरावट आई वहाँ पर गिरावट का मुख्य केंद्र था बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस आज का मुख्य केंद्र था गिरावट का, उसके बाद रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। जैसे कल की वीडियो का हमने एक शीर्षक दिया था, बाजार का सबसे बड़ा कलंक। तो देखिएगा जो मैंने चर्चा कल आपके साथ की थी, वीकनेस वहीं से है, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। निफ्टी में बाकी सब सही कर रहे हैं लेकिन यहाँ से गड़बड़ हो रही है। तो NBFC और बैंकिंग, जो मैं पिछले 7 से 10 दिनों से एक ही बात कह रहा हूँ कि बैंकिंग और NBFCs में पेन है, पेन है, पेन है। और वो पेन देखिएगा निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहा और निफ्टी के बहुत सारे शेयर्स आज भी 52 वीक हाई पर ट्रेड करते हुए नजर आए, लेकिन जो बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक वीकनेस जो है साफ साफ देखी जा सकती है। तो आप देखिएगा 5 में से 4 मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं नेगेटिव साइड, वो सब फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड हैं, जिसमें से 3 बैंक है और एक बजाज फाइनेंस है। और शुक्र ये है कि अभी HDFC लिमिटेड जो है पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो HDFC ने आज भी सहारा जो है बाजार को दिया। आज बाजार संभाला FMCG और फार्मा ने, तो FMCG और फार्मा जो है आज मजबूत नज़र आए। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है ये इंडिकेट कर रही है कि अब एडवांसेस आज थोड़े से कम हो गए, तो अभी जो सोमवार का सेशन होगा वो काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। और अभी भी जो संकेत हमारे पास हैं उनके हिसाब से अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो भी कोई बहुत पॉजिटिव संकेत जो है देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखिएगा जो सिप्ला का शेयर है वो 5.3% की तेजी, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज। तो आप देखिएगा ये जो IT, FMCG और फार्मा, यहीं से जो है सहारा मिला। और बैंकों में तो बस आज कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से जो है सहारा मिलता हुआ नज़र आया। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें आपके साथ जो शेयर गिरने वाले थे, तो गिरने वाले शेयर्स में देखिएगा बजाज फाइनेंस 3%, UPL पिछले महीने की अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ा सा थकता हुआ नज़र आ रहा है। टाटा स्टील में हल्की सी जो है वो करेक्शन आप या प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, बहुत अच्छी रैली है टाटा स्टील के अंदर हुई है, बाकी स्टील शेयर्स में हुई है।
एनटीपीसी के अंदर 2% गिरावट, फिर एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक यहाँ पर वीकनेस, और ये दिग्गज हैं क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन होता है निफ्टी के अंदर काफ़ी हैवीली। तो देखिएगा आईसीआईसी बैंक का काफ़ी हैवी वेट होने की वजह से ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाता है। इंडसइंड बैंक में भी कमजोरी, एसबीआई में भी कमजोरी, हालांकि एचडीएफसी बैंक देखिएगा पुल बैक भी नहीं दे रहा है। और मैंने आपको जो प्राइस बताए थे कि एचडीएफसी बैंक 1410 रुपये के अपनी सपोर्ट की तरफ आ सकता है, तो वहाँ से आज केवल 5 रुपये ही दूर रह गया, तो 1415 तक तो आ ही गया है। तो अभी देखिएगा वहाँ से एक पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। अगर वो पुल बैक नहीं आया तो फिर आप देखिएगा कि सीवियर पेन जो है बैंकिंग स्टॉक्स में हो सकता है। निफ्टी बैंक हालांकि आज ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी 1% की कमजोरी बैंक निफ्टी के अंदर थी। और देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और बिल्कुल अब ये समझ लीजिएगा कि स्लाइड करने के लिए तैयार है, ये कभी भी गिर सकता है। और इस दायरे के अंदर यानी कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर ही जो काम कर रहा है, तो अभी भी हमें नहीं लगता कि इस से जो है बाहर निकलने की भी कोई संभावना है। तो इस चैनल के अंदर चलते हुए यानी कि जो डाउनवर्ड चैनल है उसके अंदर ही जो है कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पर अभी हमें लगता है कि एक जो भी लेवल्स हैं अभी, तो मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी 32,800 ऊपर की रेंज और 31,800 नीचे की रेंज, इस रेंज में जो है 1 या 2 दिन आपको काम करता हुआ नज़र आ सकता है। जब इस रेंज के बाहर निकलेगा तो उधर ही जो है डिसाइसिव मूव जो है देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे तो 33,300 एक मेजर रेजिस्टेंस का जो है काम करेगी। और नीचे देखिएगा 31,800 के बाद जो है काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे की तरफ, तो इतना जल्दी जो है शायद निफ्टी के लिए जो है बैंक निफ्टी के लिए गिरना पॉसिबल नहीं होगा। नीचे के लेवल पर जो है थोड़ी बाइंग आ सकती है, और जब तक किसी बैंक मेजर बैंक के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक कोई व्यू बनाना भी थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगले हफ्ते जो है सैटरडे को, कल नहीं अगले हफ्ते सैटरडे को जो है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही जो है बैंकिंग के बारे में ज़्यादा अच्छी पिक्चर जो है क्लियर होगी। लेकिन कुछ तो ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर्स को, जहाँ पर कि बड़े प्लेयर्स डरे हुए हैं। और आज के देखिएगा जो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर थे बैंक निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक जरा सा गिरा लेकिन फिर भी 100 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी को ले उड़ा। आईसीआईसी बैंक 121, एक्सिस बैंक 68.4, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक 40 पॉइंट, एसबीआई 38.7 है। ये गिरावट सब फाइनेंशियल से आपको आज निफ्टी में भी नज़र आई, और बैंक निफ्टी में तो काम ही इनका है। तो आज देखिएगा यहाँ पर भी मेजोरिटी के साथ जो है नेगेटिव शेयर्स ही थे, तो यहाँ पर सहारा अभी नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन की हमने बात की, और अब बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा की। तो देखिएगा आज इंडेक्स के फ्यूचर्स जो है 639 करोड़ के फ्यूचर्स सेल किए हैं एफआईआईज ने, स्टॉक फ्यूचर्स 664 करोड़, 666 करोड़ के 666 करोड़ के जो है सेल किए हैं, ये भी एक नेगेटिव है। और उसके बाद एनएससी के अंदर देखिएगा कि 653 करोड़ की जो है कैश में सेलिंग करी है, और 271 की कैश मार्केट के अंदर डीआईआईज ने भी सेलिंग की है। इसका मतलब है चौतरफा सेलिंग है। अब यहाँ पर जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, ये जो हमारे मिस्टर इंडिया है, उनके ऊपर एक प्रेशर जो है आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कि मिस्टर इंडिया या जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो कब तक जो है बाजार को गिरने से रोकते हैं। और पुट कॉल रेशियोज भी जो कल 1.7 के आसपास चली गई थी, वहाँ से थोड़ी ईज आउट होती हुई नज़र आ रही है। तो निफ्टी के अंदर 1.61। अब पूरा मार्केट का आउटलुक अगर हम बात करें तो आउटलुक आज एक तरीके से चौपी टू नेगेटिव था। बाजार ने सुबह एक बार झटका दिया अच्छा नीचे की तरफ का, लेकिन वो जो है ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था कि बियर्स नीचे जो है माल टिकाना चाह रहे हैं, लेकिन बुल्स जो है कमर कसे हुए थे और नीचे उन्होंने माल उठाने के लिए जो है तैयारी कर रखी थी। तो इसके लिए जो है पुल बैक आ गया बैंक निफ्टी में, उसकी बदौलत निफ्टी के अंदर भी पुल बैक आ गया। तो यहाँ पर जो फार्मा जो शेयर्स हैं वहाँ पर आज काफ़ी रुझान था देखने के लिए। अगर हम फार्मा शेयर्स की बात करें तो सिप्ला 5% की तेजी, सन फार्मा 3.54, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.55, टेक महिंद्रा 2.14 और डॉक्टर रेड्डीज 1.62। तो ये देखिएगा डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला दोबारा से जो है मजबूत हो रहे हैं। और इसके अलावा डिवीज लैब, जैसा पिछले साल भी हुआ था कि जब कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आए थे, तो ऐसा ही हुआ था कि जो फार्मा है उसने ही जो है लीड किया था। तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि इस बार भी जो है उसी तरीके की स्टोरी होगी। अब अगले हफ्ते के अंदर जो है टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, तो टीसीएस के रिजल्ट्स पे जो है दारोमदार रहने वाला है कि टीसीएस के रिजल्ट्स किस तरीके के हैं। तो सोमवार को जो है टीसीएस के रिजल्ट्स के ऊपर मार्केट का जो है रुख आपको देखने के लिए मिल सकता है।
तो यहाँ पर जो है हम चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस हफ्ते के दौरान जो है स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी देखने के लिए मिली, लेकिन वो तेज़ी जो है इंडेक्स के शेयर्स में देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिली। हालांकि इंडेक्स के चुनिंदा शेयर्स काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ काम करते हुए नज़र आए, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने जो है पूरा का पूरा जो है बाज़ार का मूड जो है ख़राब करने की कोशिश की। और अभी भी देखिएगा बैंक और NBFC स्टॉक्स या फाइनेंशियल्स पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पर जैसे ही ये निफ्टी या बैंक निफ्टी के शेयर्स के अंदर अगर फाइनेंशियल्स को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उस तुरंत ही जो है उसमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाज़ार अभी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की तो उनका जो असर है वो बाकी शेयर्स पर भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश अप्रोच के साथ ही जो है मुझे लगता है कि अभी बाज़ार में काम करना चाहिए, क्योंकि कोविड के केसेस भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अब वो देर सवेर जो है असर डालते हुए नज़र आएंगे। और उस तरीके से जब बड़े ऑपरेटर्स या जो बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस बनाएंगे और फिर अगर मंदी होनी शुरू होगी तो वहाँ से रिटेल और जो HNI इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में भी घबराहट हो सकती है, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी जो है सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। और लास्ट मंथ की इस मंथ की जो लास्ट वीक आएगा उसमें काफ़ी क्रूशियल जो है ट्रेड्स होने की हमें संभावना लगती है, क्योंकि बहुत सारी जो मंदी की पोजीशंस हैं बड़े प्लेयर्स ने बनाई हुई हैं। तो आज की चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।